नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, आज को मैं मेरा वीडियो में कुछ अलग सा चीज़ बताने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा पास मेरा बहुत सारा क्लाइंट का यही क्वेरीज आते रहता है, जो कौन सा स्क्रिप्ट में आज को काम करना है। मतलब इंट्राडे जो ट्रेडर होता है, उसका सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग मैटर है स्क्रिप्ट सिलेक्शन। बहुत बंदा ऐसे पूछते रहता है जो कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा रहेगा, कौन सा स्क्रिप्ट में अच्छा मूवमेंट होता है। देखिए, ऐसा इस मार्केट में कुछ है नहीं। यहाँ पर हर एक स्क्रिप्ट ही अच्छा है अगर मार्केट अच्छा चलेगा तो, हर एक स्क्रिप्ट ही ख़राब है अगर उस दिन मार्केट ख़राब किया तो ऐसा कुछ सिलेक्शन बेसिकली होता नहीं है। फिर भी आप बोल सकते हैं जो कौन सा स्क्रिप्ट स्टेबल है, तो आपको कुछ स्टेबल स्क्रिप्ट का अंदर से आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन करना है। जैसा आप निफ्टी 50 का अंदर में से कोई भी स्क्रिप्ट को चूज़ कर सकते हैं जो स्टेबल है। तो बेसिकली काम करने का कुछ लॉजिक होता है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मार्केट में तो बहुत सारा स्क्रिप्ट होता है, सबका पीछे नहीं दौड़ना है, सबको मॉनिटरिंग नहीं करना है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे अच्छा चीज़ है आप 10 से 15 स्क्रिप्ट का एक लिस्ट बना लीजिए, जो आपको लगता है आपका हिसाब से सही है। अब हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें एक स्कैनर डाल देते हैं। कहीं पर भी कुछ कॉल बनेगा आपका ग्रुप का अंदर में से, सॉफ्टवेयर का काम है ऑटोमेटिकली स्क्रीन का ऊपर एक पॉपअप दे देगा। तो देखिए पॉपअप कैसे दिखाता है, उसका मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब भी कोई स्क्रीन आपका ग्रुप का अंदर में से कोई कॉल बनेगा, तो इस टाइप का आपको एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा, जो गेट रेडी टू सेल जैसा भी दिखा रहा है, कैस्ट्रोल इंडिया एट द रेट इन दैट ग्राफ। मतलब आप जो 10 से 15 स्क्रिप्ट सिलेक्ट किए हैं, उसका अंदर कहीं पर भी कोई कॉल बना, आपका स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा। अब आपका काम क्या होगा, जैसे देखिए ये आपको रेड कलर का जो एरो दिखाई दे रहा है, ये सिग्नल है। तो जब ये एरो बनेगा तभी वो पॉपअप आएगा और उसी टाइम उसका टारगेट स्टॉप लॉस एवरीथिंग शो कर देगा। अब मेन चीज़ होता है प्रेडिक्शन। कैसे मुझे समझना है जो ये कॉल मेरे लिए कितना जेन्युइन है, मैं इसमें ट्रेड करूँ या ना करूँ। जैसे मेरा पहले वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी जो नया है उसके लिए मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तीन कंडीशन होते हैं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। सेल का कॉल में नीचे में देखिए आपको एक रिबाउंड का कलर दिखाई दे रहा है जो रेड है, तो ये आपका मार्केट का वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो सेल का कॉल में नीचे का पट्टी का कलर रेड होना चाहिए, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेल का कॉल के पहले आपको एक स्टार दिखाई देगा रेड कलर का, तो मुझे यहाँ पे देखिए रेड कलर का स्टार दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन। ये मार्केट का ट्रेंड को फिल्टर कर रहा है। और थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, नीचे में देखिए आपको एक ऑक्सीलेटर चल रहा है, इसमें आपको देखिए मिडिल में आपको एक वाइट कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, जिसका वैल्यू राइट साइड में लिखा है, जिसका वैल्यू होता है जीरो। मतलब ये मार्केट का न्यूट्रल पोजीशन है। और एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसा लाइन है जो देखिए रेड कलर में धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मिडिल में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ग्रीन भी हुआ था। तो चाहे इसका कलर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर देखिए आपको मैं सर्कल बना के इसको ड्रॉ किया, तो उस लोकेशन से ही देखिए ये लाइन, ये वाइट लाइन को ब्रेक करके धीरे धीरे नीचे आने लगा। इसका मतलब है यहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड में टोटली घुस गया है। तो जिस टाइम ये सेल का कॉल बना है, आपको ये तीन बेसिक चीज़ को पहले आपको नोटिस में रखना है, जो मेरा स्टार है या नहीं, नीचे का पट्टी का कलर ग्रीन है या सॉरी रेड है या नहीं, और नीचे का ये जो लाइन है ये वाइट लाइन का नीचे मूव कर रहा है कि नहीं। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तब हम लोग उसे एक स्ट्रॉन्ग कॉल कहते हैं, जो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर देगा। एंट्री लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जिट तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग का मेन फोकस होता है एंट्री। अगर आपका एंट्री सही हुआ, आपका अगर M2M प्रॉफिट में रहा, तो आपका मेंटली एक सेटिस्फाई में रहेंगे, जो आप पॉजिटिव में जा रहे हैं, उसके बाद आप एग्जिट कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसा इसका बाद में देखिए, ये जो मैं वीडियो एक्सप्लेन किया, हमेशा मार्केट इतना इजी नहीं होता है, जो सिग्नल बना उसका पहले कंडीशन मैच हो गया, स्मूथली जाके प्रॉफिट दे दिया, ये तो एक नॉर्मल मार्केट में होता है। मगर ख़राब मार्केट में, चौपी मार्केट में क्या होता है, जैसे मैं इसका उसी का एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एसीएल टेक का ऊपर। देखिए एसीएल टेक में आज को क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आपको एक ग्रीन कलर का सिग्नल दिखाई दे रहा है, हम लोग का सॉफ्टवेयर ने सुबह कोई बाय का कॉल दिया था। तो जब भी बाय का कॉल बनेगा, नोटिफिकेशन आपको तभी मिलने वाला है, उसी टाइम टारगेट स्टॉप लॉस देने वाला है। अब इसी टाइम मुझे कंडीशन को मैच करना है, जो ये कॉल में मुझे ट्रेड करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो मुझे देखिए फर्स्ट कंडीशन दिखाई दे रहा है, उस टाइम नीचे का पट्टी रेड है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है। बाय का कॉल का पहले देखिए कोई ग्रीन स्टार है नहीं, और नीचे वाला इंडिकेटर देखिए अभी भी ये वाइट लाइन का काफ़ी नीचे मूव कर रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर ने तो बाय का कॉल दे दिया, मगर अभी भी आपका कंडीशन मैच नहीं हुआ। तो मुझे
कंडीशन के लिए वेट करना है. कंडीशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब तक कंडीशन मैच नहीं होगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है उसका ऊपर बेस करके आपको ट्रेड नहीं करना. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए इस कैंडल में आके जहाँ पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ, फर्स्ट मेरा ये इंडिकेटर आपको बताया जो ये व्हाइट को ब्रेक कर रहा है, मतलब ये जो 12:35 का जो कैंडल है यहाँ पर आके ये इंडिकेटर आपको कंफर्म किया जो हाँ आप मार्केट बाइंग जोन में घुस चुका है स्ट्रॉन्गली. मगर अभी भी मुझे और एक इंडिकेटर का यूज़ करना है, और एक इंडिकेटर के लिए वेट करना है. जैसे देखिए नीचे का पट्टी भी यहाँ पर ग्रीन हो गया था, मगर स्टार बना यहाँ पर इस कैंडल में, मतलब ये जो कैंडल है इसका बाद ही आप इस एसएल टिक का कॉल में एंट्री ले सकते हैं, इसका पहले नहीं. देखिए उस ए स्टार आने का बाद ही मार्केट में मोमेंटम हुआ और एक आपको ह्यूज प्रॉफिट देखेगा. तो मेरा वीडियो बनाने का पीछे मकसद यही है, जो पर्टिकुलरली कोई भी इंडिकेटर का ऊपर आप अगर आप बेस करके काम कर रहे हैं, वैसे पर्टिकुलरली कोई भी इंडिकेटर के ऊपर ब्लाइंडली काम नहीं करना है. आपको मार्केट को थोड़ा समझना है टेक्निकली, जो मार्केट चाहता क्या है, मार्केट का कंडीशन कहाँ से मैच हो रहा है. अगर आप उसको फॉलो कर पाएंगे एग्जैक्टली, देन आप इस मार्केट में इजीली ऑन कर सकते हैं. एक्चुअली ये जो स्टार है ये हम लोग का ट्रेंड फिल्ट्रेशन टेक्निक है. ये जो नीचे है ये आपको ओपन इंटरेस्ट को ब्रेक करके उठ रहा है और नीचे का पट्टी का कलर ग्रीन होता है. तो हम लोग का सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करके काम नहीं करेंगे, मार्केट का कुछ लॉजिक को भी फॉलो करेंगे. अगर उसके साथ मैच होता है तभी जाकर ट्रेड करते हैं. तो ये तो हुआ आपका सॉफ्टवेयर समझने का एक बेसिक कंसेप्ट. अब बहुत सारा क्लाइंट का मन में क्वेरीज होता है जो कौन सा स्क्रीम में मुझे काम करना है, उसका फिल्टरेशन अभी भी बहुत बंदे का मन में एक डाउट आता है. तो उसके लिए हम लोग एक सर्विस देते हैं. देखिए आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट कार्ड दिखाई देगा, ये जो एक्सेल सीट आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का हम लोग एक सजेशन देते हैं डेली मॉर्निंग को विद इन 5 मिनट, मतलब 9:15 को मार्केट खुलता है, आपको 9:20 से 9:22 का अंदर ही मिल जाएगा, हार्डली 9:25 मतलब विद इन 10 मिनट. तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का तरफ से एक सजेशन देते हैं डेली. जैसे सबसे ऊपर में देखिए लिखा है टूडेज वन साइड ट्रेंड स्क्रीप, मतलब आज ये जो रो है इसमें जो भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं ये सारा स्क्रिप्ट कोई एक तरफा लंबा प्रॉफिट देने वाला है. इसका डेट देख लीजिए, ये 16 अक्टूबर का है. अब देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेंड प्रायोरिटी, मतलब इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है. HDFC बैंक, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का सेलिंग दिया गया था, हिंद पेट्रो सेलिंग दिया गया था, हिंद जिंक सेलिंग दिया गया था. देखिए इसमें बहुत सारा स्क्रिप्ट है, आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं. अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं और मेरा रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं तो कितना जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, आप 16 तारीख का चार्ट को एक बार फॉलो कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा. उसका साइड में देखिए हम लोग दो और रो दिया है, एक लिखा है इफ़ बाय देन अबव, इफ सेल देन बिलो, मतलब अगर HDFC बैंक में मुझे सेल करना ही है तो कौन सा वैल्यू का नीचे सेल करना है उसका भी ब्रेकआउट पॉइंट हम लोग दे रहे हैं. और लास्ट में एक चीज़ लिखा रहता है जो टेक डिसीजन आफ्टर 9:45. तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का हिसाब से हम लोग को लगता है मार्केट को फर्स्ट हाफ एन आवर देना चाहिए कोई भी एक डायरेक्शन में उसको जाने के लिए, क्योंकि हम लोग के हिसाब से फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट बहुत फ्लैक्चुएट होता है. आफ्टर हाफ एन आवर जब मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़ लेता है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया 9:45, अदरवाइज ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं है. जो 9:45 का बाद ही मार्केट में मूवमेंट होने वाला है आपको ट्रेड करना है. कभी कभी हम लोग देखते हैं मार्केट शुरू होने का साथ साथ ही ये अच्छा मोमेंटम देके जाता है. तो इस टाइप का हम लोग एक सजेशन देते हैं. अगर आप स्क्रिप्ट सिलेक्शन करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप हम लोग का रिपोर्ट कार्ड भी फॉलो कर सकते हैं. अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो रिपोर्ट कार्ड को अगर फॉलो करना है तो आप हम लोग का सॉफ्टवेयर को 5 मिनट का चार्ट में फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज जैसे आप 10 मिनट कर रहे हैं वैसे ही कीजिए. अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट कार्ड का हिसाब से अगर काम करना चाहेंगे तो आप चार्ट को 5 मिनट कर लीजिए और उसका सब टैली करके काम कीजिए, शायद आपके लिए कुछ अच्छा प्रॉफिट ये हो सकता है. तो दोस्तों ये जो मेरा वीडियोस है मैं यही चीज़ एक्सप्लेन किया जो कैसे मार्केट को समझना है. देखिए ये मार्केट एक टेक्निकल मार्केट है, आपको थोड़ा बहुत टेक्निकली समझना पड़ेगा और उसका बाद आपको ट्रेड करना पड़ेगा, देन आप इस मार्केट में ईजिली अर्निंग कर सकते हैं. तो ये तो एक छोटा सा वीडियो है, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा. अगर आप मेरा वीडियो को न्यू देख रहे हैं, आपको बहुत सारा मन में क्वेरीज आ रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं. अदरवाइज डायरेक्ट आप मुझे मेरा इस कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं. आपका मन में कुछ भी क्वेरीज रहेगा आप मुझे पूछ सकते हैं. ये सॉफ्टवेयर कैश फ्यूचर कम्युनिटी सबके लिए अप्लीकेबल है. तो दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मन में थोड़ा सा भी कुछ मतलब ऐसा लग रहा है जो सॉफ्टवेयर कुछ आपको दे सकते हैं, तो
एक बार फ़ोन कर लीजिए, आपका मन में जो भी क्वेरीज रहेगा आप कर लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, मेरा वीडियोस को देख रहे हैं, तो काइंडली सर आप एक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके तो आप रखे हैं ऑलरेडी, आप ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए। आपका कमेंट का द्वारा मेरा यूट्यूब का चैनल भी थोड़ा प्रमोट होगा, और आप हम लोग का जो न्यू क्लाइंट है जो मेरा वीडियोस देख रहा है उसके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जो सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है। तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा जो मेरा क्लाइंट इसमें कमेंट कर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपका मन में थोड़ा सा भी इस रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रहा है, जो आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, शायद मैं आपका मन का कोई भी क्वेरीज या जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर पाऊँगा। थैंक यू।